हाय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये देखिए, आज हम सीखेंगे ये बहुत ही सुंदर सा निटिंग पैटर्न। इस डिज़ाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकती हैं, लेडीज़ कार्डिगन में, लेडीज़ जैकेट में, लेडीज़ श्रग में, बच्चों के स्वेटर में, गर्ल्स टॉप में, शॉल में, स्टॉल में डाल सकते हैं। देखिए, फ्रंट साइड से ये इस तरह से दिखता है और बैक साइड से ये इस तरह से दिखता है। तो फ्रेंड, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको जो स्टिचेस चाहिए होंगे वो 14 के मल्टीपल से होंगे, प्लस 3 फंदे एक्स्ट्रा रखने होंगे। एक फंदा साइड में डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए और 2 फंदे एस स्टिच के होंगे। और ये जो डिज़ाइन है, ये टोटल 12 रो का डिज़ाइन है। तो चलिए फ्रेंड, बनाते हैं। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने 31 फंदे लिए हैं, 28 फंदे 14 के मल्टीपल से लिए हैं, प्लस 3 फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं। एक फंदा साइड में डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए और 2 फंदे एस स्टिच के होंगे। और नीचे से 2 रो उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुनकर निकाल ली हैं इसे बेस देने के लिए। तो चलिए देखते हैं, ये इसकी फर्स्ट रो है और राइट साइड है। ये देखिए, एस स्टिच ऐसे ही उतार लेंगे, फिर धागा आगे करेंगे। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3, धागा आगे करेंगे, जाई डालेंगे और एक फंदा टर्न करेंगे, बैक लूप से जाई डालते हुए 3 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, ऐसे घुमाकर जाई डालते हुए आगे लेकर आएंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे। अब देखिए, जैसे हमने इस साइड का पैटर्न डाला है वैसे ही इस साइड को, इस पैटर्न को डालेंगे। फिर देखिए, धागा आगे ही रखेंगे, जाई डालेंगे और आगे की साइड से जाई डालते हुए 3 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, जाई डालेंगे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3। स्टार्टिंग का ऐसे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने एक फंदा उल्टा बनाया, 3 फंदे सीधे, जाई डाली, 3 फंदों का एक फंदा बनाया, जाई डाली, एक फंदा उल्टा, जाई डाली, 3 फंदों का एक फंदा, फिर जाई डाली, 3 फंदे सीधे। ये हमारा 14 फंदों का पैटर्न है। काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। फिर से धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, धागा आगे करेंगे, जाई डालेंगे, एक फंदा उतारेंगे, टर्न करेंगे, बैक लूप से 3 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, घुमाकर जाई डालते हुए आगे लेकर आएंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर से जाई डालेंगे, धागा आगे ही रखेंगे और 3 फंदों का एक फंदा आगे की साइड से बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, जाई डालेंगे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3। लास्ट में एक फंदा उल्टा बनाएंगे, एस्टी सीधा बना लेंगे। फर्स्ट रॉ कंप्लीट हो गई है। सेकंड रॉ है रॉन्ग साइड। इस रो में हर बार जो फंदे जैसे दिखाई देंगे वैसे ही बनाएंगे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर 1 2 3 4 5 6 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 1 2 3 4 5 6 उल्टे फंदे, एक फंदा सीधा, 1 2 3 4 5 6 एक फंदा सीधा, 1 2 3 4 5 6 एक फंदा सीधा,
स्टिच उल्टा बना लेंगे। सेकेंड रो कंप्लीट हो गई है, हर बार हम इसकी रॉन्ग साइड सेम ही बनाएंगे। थर्ड रो राइट साइड स्टिच ऐसे ही उतारेंगे, धागा आगे करेंगे, रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे। देखिए पहले हमने यहाँ पर तीन फंदे सीधे बनाए थे, अब दो फंदे सीधे बनाएंगे। वन टू, धागा आगे करेंगे, जाई डालेंगे, एक फंदा उतारेंगे, टर्न करेंगे, बैक लूप से जाई डालते हुए तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, जाई डालेंगे, जाली वाला फंदा था इसे सीधा बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे। ये देखिए जैसे हमने इस साइड को पैटर्न डाला है वैसे ही इस साइड को डालेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, जाई डालेंगे और आगे की साइड से तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे, जाई डालेंगे, दो फंदे सीधे बना लेंगे। यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने एक फंदा उल्टा बनाया, दो फंदे सीधे, जाई डाली, तीन फंदों का एक फंदा बनाया, जाई डाली, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, जाई डाली, तीन फंदों का एक फंदा बनाया, जाई डाली और दो फंदे सीधे बनाए। फिर से धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, दो फंदे सीधे, जाई डालेंगे, बैक लूप से तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे, जाई डालेंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, जाई डालेंगे, आगे की साइड से तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे, जाई डालेंगे, दो फंदे सीधे, लास्ट में एक फंदा उल्टा, स्टिच सीधा बना लेंगे। रो फाइव राइट साइड स्टिच ऐसे ही उतार लेंगे, धागा आगे करेंगे, रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे। ये देखिए यहाँ पर पहले हमने दो फंदे सीधे बनाए थे, अब एक फंदा सीधा बनाएंगे, जाई डालेंगे, एक फंदा उतारेंगे, टर्न करेंगे, बैक लूप से तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे, जाई डालेंगे। अब देखिए यहाँ पर दो फंदे जाली वाले सीधे बना लेंगे, धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर से इस साइड का पैटर्न इस साइड में भी डालेंगे, दो फंदे सीधे, जाई डालेंगे, आगे की साइड से तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे, जाई डालेंगे, एक फंदा सीधा। यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने एक फंदा उल्टा बनाया, एक फंदा सीधा, जाई डाली, तीन फंदों का एक फंदा बनाया, जाई डाली, दो फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, दो फंदे सीधे, जाई डाली, तीन फंदों का एक फंदा बनाया, जाई डाली और एक फंदा सीधा। फिर से धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, जाई डालेंगे, बैक लूप से तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे, जाई डालेंगे, दो फंदे सीधे, धागा आगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, दो फंदे सीधे, जाई डालेंगे और आगे की साइड से तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे, जाई डालेंगे, एक फंदा सीधा, लास्ट में एक फंदा उल्टा, स्टिच सीधा बना लेंगे। रो सेवन राइट साइड स्टिच ऐसे ही उतारेंगे, धागा आगे करेंगे, रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे। अब देखिए धागा आगे ही रखेंगे, जाई डालेंगे और बैक लूप से जाई डालते हुए तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, जाई डालेंगे, तीन फंदे सीधे बनाएंगे। वन टू थ्री, धागा आगे, एक फंदा उल्टा। ये देखिए इस साइड का पैटर्न इस साइड में भी डालेंगे, तीन फंदे सीधे बनाएंगे, वन टू थ्री, जाई डालेंगे, आगे की साइड से तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, जाई डालते फिर से आगे लेकर आएंगे। यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने एक फंदा उल्टा बनाया, जाई डाली, तीन फंदों का एक फंदा बनाया, जाई डाली, तीन फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, तीन फंदे सीधे, जाई डाली, तीन फंदों का एक फंदा बनाया, जाई डाली, फिर से एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा आगे ही रखेंगे, जाई डालेंगे और बैक लूप से
तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे, जाली डालेंगे, तीन फंदे सीधे, 1 2 3, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, तीन फंदे सीधे, 1 2 3, जाली डालेंगे और आगे की साइड से तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे, जाली डालेंगे, धागा आगे लाएंगे, लास्ट में एक फंदा उल्टा ऐसे सीधा बना लेंगे। रो 9 राइट साइड स्टिच ऐसे ही उतारेंगे, धागा आगे करेंगे, रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए, पहले हमने इस तरफ के फंदे डिक्रीज किए थे और इस तरफ के फंदे इंक्रीज हो रहे थे, अब ये वाले फंदे डिक्रीज होंगे और ये वाले फंदे इंक्रीज होंगे। तो देखिए, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, जाली डालेंगे, बैक लूप से तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे, जाली डालेंगे, दो फंदे सीधे, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, फिर से यही पैटर्न इस तरफ को रिपीट करेंगे, दो फंदे सीधे, जाली डालेंगे, आगे की साइड से तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे, जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा। यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। इसमें हमने एक फंदा उल्टा बनाया, एक फंदा सीधा, जाली डाली, तीन फंदों का एक फंदा बनाया, जाली डाली, दो फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, दो फंदे सीधे, जाली डाली, तीन फंदों का एक फंदा बनाया, जाली डाली, एक फंदा सीधा, फिर से एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, जाली डाली, बैक लूप से तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे, जाली डालेंगे, दो फंदे सीधे, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, दो फंदे सीधे, जाली डालेंगे और आगे की साइड से तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे, जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, लास्ट में एक फंदा उल्टा ऐसे सीधा बना लेंगे। रो 11 रेड साइड स्टिच ऐसे ही उतारेंगे, धागा आगे करेंगे, रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे बना लेंगे, धागा आगे करेंगे, जाली डालेंगे, एक फंदा उतारेंगे, टर्न करेंगे, बैक लूप से तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे, जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा। अब इस तरफ का पैटर्न इस तरफ को भी डालेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, जाली डालेंगे और आगे की साइड से तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे, जाली डालेंगे, दो फंदे सीधे। यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने एक फंदा उल्टा बनाया, दो फंदे सीधे, जाली डाली, तीन फंदों का एक फंदा बनाया, जाली डाली, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, जाली डाली, तीन फंदों का एक फंदा बनाया, जाली डाली, दो फंदे सीधे। फिर से पैटर्न रिपीट करेंगे, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, दो फंदे सीधे, जाली डालेंगे, बैक लूप से तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे, जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, जाली डालें, आगे की साइड से तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे, जाली डालेंगे और दो फंदे सीधे, लास्ट में एक फंदा उल्टा ऐसे सीधा बना लेंगे। ये देखिए, रो 12 कंप्लीट हो गई है और हमारा पैटर्न भी कंप्लीट हो गया है। फिर से हम इसे फर्स्ट रो से स्टार्ट करेंगे, एक बार देख लीजिए कैसे करेंगे। स्टिच ऐसे ही उतारेंगे, धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, तीन फंदे सीधे, 1 2 3, जाली डालेंगे, बैक लूप से तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, जाली डालते फिर से आगे लेकर आएंगे, एक फंदा उल्टा, धागा आगे रखेंगे, जाली डालेंगे और आगे की साइड से तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे, जाली डालेंगे, तीन फंदे सीधे, 1 2 3, यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। फिर से रिपीट करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे,
तीन फंदे सीधे, वन टू थ्री, चाई डालेंगे बैक लूप से, तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे, जाई डालेंगे धागा आगे लाएंगे, एक फंदा उल्टा जाई डालेंगे और आगे की साइड से तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे, जाई डालेंगे तीन फंदे सीधे, वन टू थ्री, लास्ट में एक फंदा उल्टा ऐसे सीधा बना लेंगे। ये देखिए फिर से हमारा पैटर्न फर्स्ट रॉ से स्टार्ट हो गया है। ऐसे ही बार बार हम इसकी 1, 2, 12 रॉ रिपीट करते जाएंगे और ये पैटर्न बनकर इस तरह से दिखने लगेगा। ये देखिए इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, लेडीज़ कार्डिगन में, लेडीज़ जैकेट में, लेडीज़ श्रग में, गर्ल्स टॉप में, बच्चों के स्वेटर में, शॉल में, स्टॉल में डाल सकते हैं। ये देखिए बनकर बहुत ही सुंदर लगता है फ्रेंड। तो फ्रेंड आप भी इसे बनाइए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग माई वीडियो।